नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। निःशक्त बच्चों के लिए रीवा के मार्तंड स्कूल में जिला स्तरीय खेल कूद सांस्कृतिक प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। इस दौरान विकलांग बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम मेहंदी रंगोली में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। निःशक्त बच्चों के लिए रीवा के मार्तंड स्कूल में जिला स्तरीय खेलकूद सांस्कृतिक प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। इस दौरान विकलांग बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम मेहंदी रंगोली में बढ़ चढ़कर भाग लिया। निःशक्त बच्चों के लिए रीवा का ऐतिहासिक मार्तंड स्कूल आज खास तौर से सजाया गया था। यहां पर आयोजित की गई थी जिला स्तरीय प्रतियोगिता, जिसमें सभी 9 विकास खंड के बच्चों ने भाग लिया, अपना हुनर दिखाने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब भी रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रम रंगोली, पेंटिंग, मेहंदी, खेलकूद जैसे कार्यक्रम यहां पर इस दौरान आयोजित किए गए। रीवा का ऐतिहासिक मार्तंड स्कूल इस बात का साक्षी बना। भले ही निःशक्त हों, लेकिन हुनर में कहीं किसी से कम नहीं। आज निःशक्त बच्चों ने मार्तंड स्कूल में जो किया, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, जिसमें दिव्यांग बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा निःशक्त बच्चों को प्रोत्साहित और शारीरिक मानसिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करने के निर्देश हैं। आज का आयोजन कुछ इसी तरीके का था, खास तौर से उन बच्चों के लिए जिनका शारीरिक मानसिक विकास उतना नहीं हो पाया है जितना आम तौर से बच्चों का होना चाहिए, इसीलिए उनको निःशक्त कहते हैं। लेकिन उन्होंने लगातार मेहंदी रंगोली जैसी प्रतियोगिताओं में भाग लिया, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया, गाना गाया, तमाम तरीके के आयोजन आज यहाँ पर किए गए थे। डांस किया, कैसा लगा आपको? बोलो अच्छा, बोलो ना अपने से। अच्छा लगा, बढ़िया डांस था। प्रीतिका जी कौन? मेरा नाम शादिया खान है। मेरा नाम शादिया खान है। मैं राजानी स्कूल पढ़ती, मैं कक्षा 8 पढ़ती हूँ। कैसा लगा आपको डांस करते हुए? अभी नहीं करे। कौन सा डांस करने जा रही हैं? वो छम छम। छम छम करेंगी। विकलांग जिसमें कार्यक्रम हो रहा है, क्या कार्यक्रम? ये रीवा जिले से 9 विकास खंड से सभी सीडल बच्चे आए हुए हैं और विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की गई हैं। इसमें जैसे दौड़, रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता और मेहंदी प्रतियोगिता, अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है। इसमें रीवा जिले के सभी 9 विकास खंड से सेलेक्टेड सीडब्ल्यूएसएन बच्चे आज विश्व विकलांग दिवस पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। नाम बता दूँ, डॉक्टर संजय सक्सेना, टीपीसी रीवा। दिन भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।